इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर सुल्तानगंज प्रखंड के आभा रतनपुर के कतरनी चूड़ा का स्वाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चखेंगे। इसके लिए बिहार भवन ने 3 क्विंटल उच्च क्वालिटी की कतरनी चूड़ा की मांग जिला प्रशासन से की है। वहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागलपुरी कतरनी सौगात के रूप में भेजी जाएगी। बिहार भवन में भी मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा और तिलकुट के भोज में कतरनी चूड़ा परोसा जाएगा। उच्च गुणवत्ता युक्त कतरनी धान को चिन्हित कर चूड़ा की तैयारी आकर्षक पैकिंग कराकर 2 जनवरी तक सुरक्षित पहुंचाने का दायित्व जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया है। तैयार चूड़ा के पैकेट को बिहार भवन ले जाने के लिए आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह और प्रखंड कृषि कार्यालय के लेखपाल प्रेम कुमार पिंटू को प्रतिनियुक्त किया गया है। पिछले साल भी आभा रतनपुर का कतरनी चूड़ा ही बिहार भवन भेजा गया था। खारे देशों में भी कतरनी चावल और चूड़ा की भारी मांग है। वहां भी चूड़ा भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 जनवरी को खारी देश के एक्सपोर्टर जिशान अली आभा रतनपुर पहुंच रहे हैं। जिशान अली दुबई में बैठते हैं, इनके यहां कोलकाता से माल पहुंचता है। 2 महीने पहले भी एक्सपर्ट्स यहां पर आकर सैंपल लेकर जा चुके हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 से 12 टन कतरनी चावल और चूड़ा देश में भेजा जाएगा। एपीडा के माध्यम से भी कतरनी चावल और चूड़ा विदेश भेजने की तैयारी चल रही है। जिला कृषि कार्यालय स्थित जैविक हाट में 28 दिसंबर से कतरनी चावल और चूड़ा बिकने लगेगा। आभा रतनपुर के कतरनी धान उत्पादक किसान मनीष कुमार सिंह ने बताया कि 10 क्विंटल चूड़ा तैयार किया जा रहा है। 3 से 4 दिनों के अंदर तैयारियां पूरी हो जाएगी। चावल और चूड़ा जैविक हाट पर भी उपलब्ध होगा। चूड़ा 160 रुपए प्रति किलो और नया चावल 150 रुपए प्रति किलो मिलेगा। पुराना चावल 160 रुपए प्रति किलो मिलेगा और अरवा और उसना चावल का आटा भी मिलेगा। पिछले साल की तुलना में इस साल कतरनी धान की उपज अच्छी हुई है। पिछले साल 1 बीघा में 9 से 11 क्विंटल तक धान की उपज हुई थी। इस साल 13 से 15 क्विंटल तक धान की उपज हुई है। शुरुआती समय में कम वर्षा होने की वजह से अधिकांश किसान धान नहीं लगा पाए। बोरिंग इत्यादि के माध्यम से जिन किसानों ने धान बोया उन्हें इस साल अच्छी उपज मिली। कतरनी धान की रोपनी अगस्त में होती है। 15 अगस्त के बाद अच्छी बारिश हुई जिसका बिचड़ा बच गया था उन्होंने खेत में लगा दिया। 600 हेक्टेयर से अधिक में इस साल कतरनी धान की खेती हुई है। चाना नदी के किनारे के खेत में लगे कतरनी धान की खुशबू काफी अधिक होती है। यही कारण है कि जगदीशपुर के कतरनी चावल और चूड़ा की अधिक मांग है। लेकिन पिछले कई वर्षों से चानन नदी में पर्याप्त पानी नहीं आने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। नदी की गहराई अधिक होने से और खेत ऊंचा होने की वजह से खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहां के किसान वर्षों से चेक डैम की मांग करते आ रहे हैं लेकिन मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। इधर कतरनी चावल और चूड़ा की मांग काफी बढ़ जाने से सुल्तानगंज और शाहकुंड के किसान इसे अपनाने लगे हैं। सुल्तानगंज और शाहकुंड में इसका रकबा लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के अधिकांश किसानों ने पटवन के लिए बोरिंग की व्यवस्था कर ली है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।